आसमान में उड़ेगा ड्रोन और जमीन पर डेंगू का हो जाएगा खात्मा। ये ड्रोन खोज खोज कर डेंगू फैलाने वाले मच्छरों पर अटैक करेगा, उनके लार्वा को भी पलक झपकते खत्म कर डालेगा। डेंगू को खत्म करने वाला ये ड्रोन ऋषिकेश नगर निगम लेकर आया है। दरअसल मानसून आते ही डेंगू जैसे मच्छरों से फैलने वाली बीमारी भी तेजी से पैर पसारने लगती है। ऋषिकेश जैसे शहर में डेंगू के मामले इस सीजन में बढ़ जाते हैं। डेंगू से निपटने के लिए नगर निगम कई तरह के तरीके पहले से अपना रहा है। इसी कड़ी में अब ड्रोन भी नगर निगम का नया साथी बन गया है। डेंगू के असर को रोकने के लिए नगर निगम ने मध्य प्रदेश की एक एजेंसी से ड्रोन भी मंगवाया है, जो हवा में उड़कर शहर के चिन्हित इलाकों में कीटनाशक का छिड़काव करेगा और डेंगू बढ़ाने वाले मच्छरों और उनके लार्वा को खत्म कर देगा। ऋषिकेश उत्तराखंड का पहला ऐसा शहर है जहां डेंगू की रोकथाम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले ड्रोन से ऋषिकेश के दुर्गम जगहों की तस्वीर ली जाएगी। इसके बाद चिन्हित जगहों पर ड्रोन से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाएगा। ड्रोन को GPS तकनीक से लैस किया गया है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा। हमने एक एजेंसी से ड्रोन, जो एग्रीकल्चर ड्रोन होता है जिससे कीटनाशक का छिड़काव होता है, वो मध्य प्रदेश से मंगाया है और हम आने वाले 2-4 दिन में इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी जमीन से लेकर आसमान तक डेंगू के खतरों पर नजर रखी जा रही है और उन खतरों से निपटा भी जा रहा है। ऋषिकेश में सार्वजनिक जगहों पर लोगों को नुक्कड़ नाटकों के जरिए भी डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।